नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। मैं हूं मनोज मिश्रा। अगर आप साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, अगर आपको साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि 2 मिनट में सिद्धियाँ प्राप्त करें, इस शब्द का बहुत बड़ा और गहरा अर्थ है। आज मैं इस शब्द का अर्थ आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निश्चित रूप से आपको 2 मिनट में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप 10 वर्षों से या 15 वर्षों में या आप अपने जीवन का आधा हिस्सा साधना क्षेत्र में गुजार चुके हैं और आपको साधना क्षेत्र का ABCD मालूम नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात यह है कि साधना में उतरने से पहले आप साधना के मंत्र पर, साधना के मार्ग पर पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा आपको। यानी विश्वास जो है करना पड़ेगा आपको कि साधना सिद्धियां नाम की कोई अलौकिक शक्तियां होती हैं। जैसे छोटे से कीटाणु को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, छोटे से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जल में या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, डॉक्टर लोग जब उसको देखते हैं तो एक यंत्र के द्वारा देखते हैं। इसी प्रकार इस संसार में अलौकिक शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, उनको देखने के लिए आपको मंत्र रूपी सूक्ष्म यंत्र की जरूरत पड़ेगी और गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, गुरु के चरणों में पूर्ण आस्था। बिना गुरु के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता इस जगत में। गुरु चाह ले तो आपको 2 मिनट में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 2 मिनट में आपको कोई भी मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का निकला हुआ वाक्य आपके लिए वरदान हो जाएगा और आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो योग गुरु की तलाश करिए, जो योग्य हो। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, पैसा बहुत है, तो यूट्यूब पर ऐसे गुरु की तलाश करते हैं जो सिद्धियां ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र जब हो सकता है जब आप किसी गुरु के आश्रम पर जाकर के वहाँ सेवा निर्वृत्त की हो, अर्थात वहाँ पर कुछ दिनों तक निष्काम भाव से गुरु के चरणों की सेवा किए हो, गुरु आप पर प्रसन्न होकर जो भी सिद्धि आपको चाहिए वो सिद्धि आपको दे सकते हैं। निश्चित रूप से विश्वास मानिए, गुरु में वो शक्ति होती है, गुरु में वो पावर होता है कि आपको कुछ भी दे सकता है। लेकिन गुरु के चरणों में श्रद्धा और परमात्मा के प्रति विश्वास, जितनी भी रिद्धि सिद्धि है सब परमात्मा के चरणों से है। हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर ईसा वास्मिदम विष्णु हर व्यापक सर बत्र समाना प्रेमित प्रकट हो ही मैं जाना। वो हरि, वो नारायण इस जगत में कण कण में छुपा हुआ है। ईश्वर के प्रति विश्वास, गुरु के चरणों के प्रति आस्था, ये सब अगर भाव आपके हृदय में है तो आपको सिद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिद्धियां 2 मिनट में मिल सकती हैं। तो आज के सिद्धियों के विषय पर बस इतना है।